गोद में आते ही ना ये दूध दूध पीता है, उसके बाद ऐसे नींद के आगोश में चले जाते। थिम्बक्स का क्या होता है? कि मैं नहीं सोऊंगा, तो आई विश भले ही अभी ना सोए मगर रात में प्लीज बाबू सो जाना, सो जाना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। पलाक, मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ब्लॉगिंग हो गई है मॉर्निंग से स्टार्ट और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। और ना मेरी थोड़ी आवाज़ चेंज लगेगी, थोड़ी हालत हो, क्योंकि मेरी ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरे को जुकाम लग गया था। आई डोंट नो कैसे मैं इतना मतलब बाहर हम लोग वैसे भी बहुत कम जाते हैं। आप लोगों ने देखा है, जब एडमिट का काम होता है तभी निकलते हैं हम दोनों बाहर, वरना कुछ भी काम होता है यही जाते हैं आजकल ग्रोसरी करने भी। मेरे को पता नहीं कैसे जुकाम पकड़ गया, खांसी और सर दर्द, गले दर्द, मतलब जो होता है ना सब चीज, बुखार उखार सब हो रखा था। तो अंदर से खोखला हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक खत्म हो चुका हूँ। आज थोड़ा सा बेटर है, मगर छींक एक सब मतलब खांसी खांसी हो ही रही है, मगर थोड़ा सा गले में राहत है, क्योंकि मैंने फुल परहेज किया था। मैं लहसुन का सूप पी रही थी, गर्म पानी पी रही थी, गुनगुने पानी और नमक वाले पानी का गरारा कर रही थी। तो मतलब मैंने फुल परहेज किया, मेडिसिन वेडिसिन लेके बिल्कुल वो नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसे बोलते हैं अगर माँ को लगे, क्योंकि मैं इसको फीड करवाती हूँ तो इस बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगी, बहुत जल्दी इसको लग जाए ना वायरस फैलने के, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसीलिए। तो अभी थोड़ा मैं ओके हूँ, मगर अभी तक मैं इसके पास अभी भी नहीं जा रही हूँ। जब फीड करवा रही हूँ तो मास्क वास्क पहन के ही जा रही हूँ, इसलिए मैंने चलो आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ना अभी तो आज से ऊपर से पता है इतना हमारे एक ही साथ लोड पड़ा, पता है आज तक तो इनकी छुट्टी भी थी, अब मेरी तबीयत भी ख़राब हुई और साथ में आज से इनका काम भी स्टार्ट हो गया। मगर सब चीज़ हो जा रहा है हैंडल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम दोनों के ऊपर बिल्कुल ऐसा बर्डन पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से सब चीज़ हो जा रहा है, खाने पीने का, इसको देखने का, क्योंकि ये भी इतना परेशान फिलहाल नहीं कर रहा है, दिन भर चुपचाप खा रहा है, मतलब पी रहा है अपना दूध और सो जा रहा है। तो अभी फिलहाल मैं इसको नहला लेती हूँ, क्योंकि कल को हमने बस इसका ना आंग पोछ किया था, कपड़े से ना बस इसकी बॉडी क्लीन कर दी थी, तो इसीलिए आज इसको नहलाना है, क्योंकि अभी तो फिलहाल सो रखा है, मगर उठा लेता है। मैं सोचूंगी एक बार नहा धो लेगा, उसके बाद मालिश वालिश करके दूध दूध पी के अपने आप सोए रहेगा ये आराम से। तो बॉडी ना थोड़ी रिलैक्स भी हो जाती है, उसके बाद मुझे भी शाल लेना है, क्योंकि कल को मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। परसों को तो मैंने लिया था पता है, उसके बाद फिर मेरी और तबीयत ख़राब हो गई थी, जबकि मैंने गर्म पानी से ही नहाया था, मगर मेरी और ज़्यादा बढ़ गया था जुकाम उखाम, बुखार उखार आने लग गया था, इसीलिए कल को नहीं किया था मैंने। मतलब फुल बोलते हैं ना पसीने से बुखार जल्दी उतरता है, इसीलिए तो मैंने फुल परहेज करके थोड़ा कंट्रोल में ला रखी हूँ। और ये भी अब देखो कब तक ठीक होता है, फटाफट ठीक हो जाए तो मुझे मेन इसी की टेंशन हो रही है। और इनका अभी लंच टाइम हो गया है फिलहाल, तो हम लोग लेकर आए थे ना कारपेट क्लीनर वाला लेकर आए थे, जो होता है उससे ये बोल रहा है कि थोड़ा मैं कारपेट क्लीन कर लेता हूँ, मैंने तब तक आप कारपेट क्लीन कर लो और मैं इसको नहला लेती हूँ। चल चलते हैं, मैं दिखाती हूँ। वैसे मैं नहलाते हुए तो नहीं, मैं बाथरूम में दिखाती हूँ टब में मैं इसको कैसे नहलाती हूँ। ये टब में पता है सच्ची में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है नहलाना, पता है हमारे वहाँ तो ऐसे हाथ में पकड़ के पैरों में ऐसे सुला के नहलाते हैं, मगर ये जो है बाथिंग टब हम लाए थे इसमें बहुत ईजी होता है हमारे लिए नहलाने के लिए। तो मैं एक बार दिखाती हूँ कैसे मैं पानी भर के, बिल्कुल इसको ना गोवा वाला फील दिलवाते हैं हम लोग, और ये रोता भी नहीं है, बिल्कुल मस्त करके नहाता है, नहाते टाइम तो बिल्कुल परेशान नहीं करता है। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोग को इसका बाथिंग टब। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें मस्त लेट जाता है, ये गोवा वाली फील लेता है। तो मैं नीचे क्या करती हूँ, पहले ना गर्म पानी ना नीचे मैं इसका फुल करके भर देती हूँ गर्म पानी, ताकि नीचे से ना गर्म गर्म भाप आए तो इसको ईजी हो, और उसके बाद ना टब में पानी भर भर के धीरे धीरे करके नहलाओ इसको। तो ये है इसका बाथिंग टब और ये है इसका प्रोडक्ट अवेनु बेबी। तो शैम्पू और बॉडी वॉश दोनों का काम करता है, ये 2-in-1 है ये। तो इससे मैं ज़रा इसका पानी यानी भर लेती हूँ, टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद इसको नहलाते हैं हम लोग। ये जो कारपेट क्लीनर वाली मशीन लेकर आए हैं ना ये वो है। तो मैं इसको नहला लेती हूँ और आप कारपेट क्लीन कर लो तब तक, क्यों दोनों का काम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने काम बांट लिया है, 1 घंटे का इनका वो है ना क्या है लंच टाइम चल रहा है, तो मैंने बोला चलो तब तक आप ये कर लो, क्योंकि सो रखा। और अभी कार ये मशीन से ना उठ भी जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं, मगर वो अभी उठेगा ही नहीं,
ऐसा ही होता है, जब नहीं उठना होता है तब उठेगा, तब हमें धीरे धीरे करना होता है, जिस टाइम उठना होता है उस टाइम पे उठेगा ही नहीं, भले मशीन चले, कुछ भी चले, वैक्यूम चले, कुछ भी चले, फिर कोई मतलब नहीं है इन साहब जी को। तो चलो मैं पानी यानी मैंने भर लिया, अब मैं ना इसके थोड़े कपड़े वपड़े खुला खोल लेती हूँ और इसको नहला लेती हूँ। सो गाइस यहाँ पे बता नहीं मास्क से आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। तो फाइनली एडविक सिंह खोलिया को हमने नहला दिया, जैसे कि मैंने बोला मैं इसके नज़दीक जा रही हूँ, नहलाना हो, दूध पिलाना हो, मालिश करना हो, मैं मास्क ही पहन के इसके सामने जा रही हूँ। तो यहाँ पे कांप रहा है ये, शिवू मी पुती को ठंडी लग रही है ना, तो इसके पापा गए अभी तेल गरम करने। आजकल हम लोग ना एक दो दिन पहले से हमने स्टार्ट कर रखा है सरसों का तेल, पहले मैं ना उससे पहले ऑलिव ऑयल यूज़ करती थी, अब हम लोग ना सरसों का ऑयल ना गरम करके फिर इसकी मालिश करते हैं। तो यहाँ पे एडविक सिंह खोलिया यहाँ पे नहा चुके हैं, ये देखो छोटी छोटी हाथी, तो ये बेचारा ठंडे से कांप रहा है, तो अभी हमने इसको पूरा कवर कर रखा है। इसके पापा गए हैं ऑयल गरम करने, उसके बाद फटाफट इसकी करते हैं मसाज, और मसाज में ना मैं एकदम अब फर्स्ट क्लास हो गई हूँ बिल्कुल, क्योंकि घर से इतनी गाइडेंस मिल गई है नदन्ना से, मतलब मम्मी से भी और मम्मी जी से भी, तो मस्त करके। अब मेरे को ना शुरू शुरू में डर लगता था, अब तो आगे पीछे मस्त करके मैं कर लेती हूँ बिल्कुल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलो इसके बाद एडविक सिंह खोलिया अब मालिश करेंगे, उसके बाद दुदुफी के टुपुक सो जाएंगे, उसके बाद फिर इसका सोने का टाइम होगा, फिर ना बच्चों को रिलीफ मिल जाता है एकदम, कि क्या कहता है एक बॉडी एकदम फ्रेश फ्रेश फील करते हैं ऑयल ऑयल मसाज वसाज करने में, तो हम ही को नींद आने लग जाती है, दूध दूध पी के एकदम टन सोए रहता है। और इसके पापा ने ऑलमोस्ट रूम क्लीन कर ही दिया है, और हम भी अपना फटाफट काम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, और एडविक हमारा दूध पी पा के सो चुका है, तो बिल्कुल नींद के आगोश में जा चुके थे ये, कहीं हिल हिल के, पता नहीं मेरी गोद में आते ही ना ये दूध दूध पीता है, उसके बाद ऐसे नींद के आगोश में चले जाता है, और जैसे यहाँ पे रखो ना इतना बड़ा टास्क होता है, यहाँ पे जाते ही आंखें खोल ऐसे टुकुर टुकुर देखेगा बिल्कुल, जैसे तो कभी सोया ही था, मगर थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद में इसको मुँह नहीं लगाऊंगी ना, चैन चुपी करेगा इसको मुँह ना लगाओ, हाँ हाँ करके अपने आप सो जाता है। तो इसको भी मैंने अपना बिल्कुल फिट फाट कर दिया, अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि रात भर इसने बहुत जगा रखा है, रात भर खूब जगाया इसने अपनी मम्मी को, सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। तो मम्मा भी थोड़ा रेस्ट कर ले, और ये अपने आप हिलते रहता है, थोड़ी देर बाद अपने आप सो जाएगा, जब इसको कोई देखेगा नहीं, चैचू करेगा तो इसके पापा अपने आप आ जाएंगे वो काम करते करते। तो हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। One hour later. यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू हो रही है थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने ना उसके बाद थोड़ा मैंने बोल था रेस्ट भी करना है मुझे, क्योंकि नींद आजकल बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, क्योंकि ये भी इनका भी अब काम शुरू हो गया, इवन ये अभी भी काम ही कर रहे हैं, और मैंने उसके बाद शावर भी ले लिया, तो ये तो अभी तक सोया हुआ ही है। और मैं बताऊँ टाइमिंग अभी मैं ला, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ना आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, और हाँ कल की परसों को आई थिंक 2 दिन पहले ही परसों की बात है, यहाँ ना 1 घंटा टाइम और पीछे जा चुका है, कम कर दिया है, यानी कि अभी हमारे वहाँ 4:30 हो रखा है, तो 2 दिन पहले अभी तक 5:30 बजे होता, मगर ठंडियों के टाइम पर ना 1 घंटा कम कर लेता, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होगी तो वो 1 घंटा आगे हो जाती है, जो फ़ोन वगैरह होता है उसमें ऑटोमेटिकली घर की वॉचेस में हमें खुद ही करना पड़ता है, इसलिए 5:30 बजे मैं दिखाऊँगी आप को पूरा अंधेरा हो जाएगा, जा लगता ही नहीं है कि मतलब 5:30 हो गया, ऐसा लग रहा है कितना रात हो, कितनी रात हो गई, और हमारा तो दिन पता है लंच करने तक, तो इसको नहलाने धुलाने तक तो पता है ऐसे दिन ख़त्म हो जाता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आजकल बस बच्चे के पास सही बोलते हैं कि दिन मतलब 24 घंटे भी छोटे पड़ते हैं। तो फिलहाल तो अभी साहबजादे हमारे सोए हुए हैं, और इससे मैं जितनी दूर हूँ, मैं इवन पता है सो भी दूसरी जगह रही हूँ, दूसरी बेड में सो रही हूँ मैं, ये इनके ही साथ सो रहा है, जब फीड कराना हो रहा है तभी मैं इसको वो भी मास्क पहना के, जैसे कि मैंने बताया, पता नहीं कैसे वो हो गया, आजकल ना यहाँ वायरस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि जबकि हम दोनों को ना वैक्सीन भी लगी थी, आप लोगों ने देखा था हम लोग फैमिली डॉक्टर के वहाँ गए थे, हम दोनों को ना वैक्सीन भी लगी हुई थी, इवन फिर भी मुझे हो गया वायरस, बस ये है कि इनको ना हो, अगर हो भी तो मैं ठीक हो जाऊँ फिर ही हो, क्योंकि अगर हम दोनों का हो गया तो फिर इसके लिए दिक्कत होगी ना, क्योंकि ये छोटा सा है अभी, और अगर इसको फिर प्रॉब्लम हुई तो हम तो फिर भी बड़े हैं, हम लोग सहन कर लेंगे, मगर ये छोटा सा है, अगर इसको कुछ हो गया ना, ऊपर से हम लोग घर में अकेले हैं इधर, और तक
घर में होते तो घर में आप लोग को पता है इंडिया में 10 तरीके के नुस्खे होते हैं, घर की जड़ी बूटियाँ या कुछ भी करके पता है घर में देखने वाले होते हैं 10 चीज़ें होती हैं। यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, हम कहाँ से वो करेंगे जड़ी बूटियों वाला अपने घर के वो जो होते हैं अजीब वो गरीब नुस्खे वाला, तो फिर नज़र अज़र वाला यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ तो हम लोग जाएंगे ना डायरेक्ट वो लोग मेडिसिन भी नहीं देते हैं। यहाँ पता है 3-4 दिन बच्चा अगर बीमार हो तो 3-4 दिन पूरा देखते हैं, 3-4 दिन तक भी अगर ठीक ना हो यानी 3-4 दिन बच्चा पूरा दर्द में रहेगा, मतलब प्रॉब्लम खांसी आंसी जो भी है उसके बाद ही वो लोग फिर मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो आई बस इसको ना हो, हमें जितना होना है हो जाए, तो मैं यही बोल रही थी। फिलहाल ना यहाँ ठंडा भी इतना ज़्यादा हो गया है, मौसम इतना ज़्यादा हो गया, मैं दिखाती हूँ ये पूरा मतलब देखो ओस पड़ी हुई है पूरे, मतलब रोजा रोज ना बारिश ही हो रही है इधर, पूरा पानी के वो पड़े हुए हैं, दिख भी नहीं रहा है। यहाँ से मैं दिखाती हूँ ये देखो, अभी फ़िलहाल अभी फिर भी मौसम थोड़ा भी अभी बादल हर जैसे रहे, मगर बारिश यहाँ ना रोजा रोज मतलब बारिश हो रही है। तो बस अभी ये भी काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद इनको भी जाना है। आज ना मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, पिलाओगे? ऐसे करते मतलब ये ना हाँ मैं भी अगर ना में भी दोनों में हो जाएगा, अगर नहीं भी लेकर आएंगे, अरे मैंने तो ऐसे किया था इसका मतलब ना होता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हाँ, बस हाँ, टिम हॉटन की स्टारबक्स, टिम बक्स का क्या होता है ये? मैं बोलूँ टिम हॉटन की स्टारबक्स इन्हें नया बना दिया है टिम बक्स बोलना। व्हाट इज दिस टिम बक्स? वही जो स्टार हॉटन है। बताओ आ जाएगी, आ जाएगी कॉफी। कौन सी, टिम हॉटन या स्टारबक्स? जो बोलेगी तो आ जाएगी स्टारबक्स। आज मुझे स्टारबक्स की कॉफी पीने का मन कर रहा है, ठंडा भी बहुत हो रहा है। और इस टाइम पे तो बोलता है कि जितना दूध कॉफी चाय जितना पियो गले में ताज बनाओ, ऐसा बोलते हैं। तो आज तो आप लोग ना व्लॉग में बने रहना, और अगर इन्हें मुझे नहीं पिलाई ना तो कमेंट्स में लिखना बिक्की विनोद जो भी जो जो बोलता है भाई पिला दे, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले भी और प्रेगनेंसी के बाद भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बदनाम कर रही है। प्रेगनेंसी के बाद भी वो तो क्रेविंग होती है क्योंकि बच्चा दूध माँ का ही पीता है ना, जो उसका मैंने कब नहीं पिलाया था। नहीं मैं बोल रही हूँ पिलाया तो है आपने, मगर फिर भी बैकअप के लिए रखना पड़ता है ना, अगर आज नहीं हुआ तो, क्योंकि बहुत सारे बहाने भी बन जाएंगे ना, क्योंकि मौसम बाहर ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा, अरे जिम में लेट हो गया, अरे जिम में आज एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर ली। तो देखो अगर नहीं आई तो आप लोग पक्का कमेंट्स में, अगर आ गई तो आप लोग को मैं बता ही दूंगी। तो चलो थोड़ा मैं अब अपना काम करती हूँ, क्योंकि अब एडविक को होने वाला है 1 मंथ कंप्लीट हमारे एडविक को, 2-3 दिन बाद ना एडविक को 1 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग इसके लिए ना जो ड्रेस लाए थे उसमें और देखते हैं 1 किससे बनाते हैं, मैं थोड़ा दिमाग लगा रही हूँ, लेट्स सी किस चीज़ से बनाते हैं। तो चलो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को। गाइस यहाँ पे रेस्ट करने के ना 1 घंटे बाद इनका काम वाम ख़त्म हुआ ऑफिस का, तो ये चले गए थे सामान वामान, इन्हें थोड़ा सामान भी लाना था, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, मैं तो थक गई भाई आज एडविक ने मुझे इतना परेशान किया ना, ये सोया ही नहीं है, इसको फीड करा लो, इसको खिला लो, इसको पेसिफायर मुँह में लगा लो, मगर जुर्रत जो ये सो जाए, इवन ये अभी भी नहीं सोया हुआ, ये देखो ये इसके हालचाल लगी हुई है। इसने आज कसम खाई है कि मैं नहीं सोऊंगा, तो आई विश भले अभी ना सोए मगर रात में प्लीज़ बाबू शो जाना। अभी तो ये पता अभी खेल कर रहा है क्योंकि इसके पापा आ गए हैं, क्योंकि ये पता मेरे से ज़्यादा खुश पापा के साथ रहता है, मगर इनके आने से पहले चें। अभी थोड़ी सी हुई, अभी धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगी, अभी बहुत कम हुई है ना, अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग, बहुत एक्टर बाज है ये, बहुत ज़्यादा, अगर कोई इसको पकड़ दे गया, इसको होती है ना बातें करो मेरे साथ और मैं कान लग के सुने रहूँ, घर में भी कभी फ़ोन आता है तो घर से ऐसी आदत बनाई है ना इसको, अपनी शक्ल दिखाते हैं वो लोग, उन लोग को होती है कि सेल्फी वाले के फ्रंट कैमरे से करे और ऐसे देखे रहता है, हंसता है, वो बातें करते रहेंगे तो वही आदत है, हमें इतना टाइम कहाँ आया इसके साथ इतनी बातें करते रहो। तो फाइनली मैंने बोला था आज मेरी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, तो माई डियर हस्बैंड जी मेरे कॉफ़ी ला गए हैं, क्योंकि मैं तो जा सकती नहीं हूँ, तो ये फाइनली आज स्टारबक्स की, आज स्टारबक्स की मन कर रही थी, टिम हॉटन की भी मैं बहुत, टिम हॉटन की मुझे सिर्फ फ्रेंच वेनीला पसंद आती है, और स्टारबक्स की आज मुझे ट्राई मतलब मन कर रहा था, तो मैं आज स्टारबक्स की करते हैं। वैसे ज़्यादा तक मैं टिम हॉटन की ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इससे पहले कि ठंडी हो जाए गर्म गर्म
ऐसे एक्टर बाज इतना है ना ये। ओए अभी नहीं करेगा, उसको पता है ना मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज्यादा चलाक है। यू वेरी चलाक ब्रो, वेरी चलाक ब्रो है, बहुत चलाक है। उसको पता है मम्मी अभी वीडियो में है ना, तो मैं बैक वो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देता हूँ, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि मैं हल्ला भी करता हूँ। लोगों को लगना चाहिए कि मैं बहुत सीधा साधा लड़का हूँ, ये जताना चाह रहा है वो। हाँ ऐसे कर रहा है। हाँ चलो इसकी एक्टिंग बात चलते रहेगी। मैं ना ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही मुझे, क्योंकि खांसी भी आ जा रही है। तो हम व्लॉग एंड करते हैं आज का। तो चलो, अगर आज की व्लॉगिंग आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में जरूर दबाना, ताकि वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोग को मिलता रहे। तो मिलूंगी कल को नई दिन नई वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।